Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Jai Ho Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
निरीक्षण समन्ता
कान लाग जुदि मात प्रमेयम् त्वमाखरम् वारमं त्वमस्य विश्वस्य वरम् निवारणम् त्वमव्ययः शाश्वतगर्भलोकाः सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्त अनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रम् हर्षामि त्वां दीप्त उत शव त्वं स्वगे स्वविदम् अलङ्कम् द्यावाग्विधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिकोष्ठलाभि रोद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानेशतवीत्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता नितिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य वरं विधानम् भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूप वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य सुसहस्रते क्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारथप्रेष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदये।
राम श्री मद भगवद गीता महात्म्य एवं श्री गीता जी का पाठ पहला अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यत कृष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य ते नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्धूताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या इमान्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखभोद्वाद्विनिशिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद्विनिशितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपालनन्दना
साधु वह सुधीर भूता भूतं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवकी पोथ गीता मे को देवो देवकी पोथ एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव माम काः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं योधं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवी पश्यैतां पाण्डुपुत्राणा माचार्य महतीं समं योढां द्रुपदपुत्रेण तव शेषेण धीमता अत्र शूरमहेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ धृष्टकेतुस्तेकितान काशीराजस्त वीर्यवान पुरुजेत कुंती भोजस्य शैव्यस्त नरपुंगव युधामान्योस्त विक्रांत उत्तमौजस्त वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयास सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपस्तसमितिञ्जय अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदते तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवा नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं
पर्याप्तं कृतमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम 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 सब काम उद्देश्य पर है तेरे लक्ष्य अपना बन जाए कभी वो ये काम करना है तो फिर उसमें शून्यता हो जाती है। तो मनुष्य शरीर मिला है वो देह पहले बना है। भगवान ने मानव शरीर दिया है सदा के लिए सुखी हो जाए कभी भी दुख ना हो महान आनंद की प्राप्ति हो जाए ऐसे लक्ष्य से ही ये मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद जो अपने सत्संग का समारोह होता है ये इसी लक्ष्य को लेकर ही होता है कि जीवों का कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए सबका हमारा आपका सबका कल्याण हो। परस्पर में अपने बातें करते हैं तो इसलिए करते हैं। शेष जी से किसी ने पूछा कहा आप इतना उद्योग करते हैं खाने पीने के सामान सब तैयार करते हैं घी है आटा है दाल है साग सब्जी हजारों आदमियों के लिए दो दो तीन तीन महीना तक
सामान इकट्ठा करते हैं, परिश्रम पड़ता है, क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि पारमार्थिक एक बड़ी भारी विलक्षण बात है, इसमें बड़ी शांति मिलती है, दुख मिट जाता है, सदा के लिए हल्का संताप मिट जाता है, उस बात का मेरे को कुछ पता है। तो मैं चाहता हूं कि सबके सब लोग उस आनंद को ले ले, नहीं तो दो तीन दिन बरात रहती है उसमें भी लोग उकता जाते हैं, और ये तो दो तीन तीन महीना ऐसे रहते इतना इतना समुदाय, और फिर भी आप वैसे ही काम करते हैं, प्रबंध करते हैं, तो कारण इसका ये करते हैं इसलिए कि सबको शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए ये करते हैं। तो पहले मनुष्य शरीर मिला है, दूसरा ये अभी अपने इकट्ठे होकर उपयोग करते हैं, तात्पर्य उसका है कि वो पारमार्थिक उन्नति हमारी हो जाए। तो उसके लिए एक तो उद्देश्य अपना लक्ष्य बन जाए कि इस उम्र में हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, वो भी ये बात बनाए, और इस लक्ष्य की जागृति रहे हर समय। जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, आराम से खूब बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, प्रकाश भी है, बैठने की जगह भी है, ऊपर छप्पर भी है, सब आराम रहते हुए भी एक मन में धारणा है कि हम थोड़ी देर के लिए आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे, तो ये भीतर में बात भरी हुई है कि हर समय यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ आए हैं जाने वाले हैं। जैसे अभी ये बात आई है कि हम थोड़ी देर आए हैं और जाएंगे यहाँ से, ऐसी बात अपने यहाँ संसार में रहते हुए रहनी चाहिए। जिन जिन घरों में आप हम रहते हैं उनमें निरंतर रहने वाले हम नहीं है, ये एक बड़ी भूल होती है, वहाँ डेरा ही लगा लेते हैं भाई, अब तो यहाँ ही रहने वाले हैं, यहाँ ही रहेंगे, भीतर में भाव हो जाता है कि यहीं रहेंगे, और बात ये सच्ची नहीं है। सच्ची बात है कि यहाँ थोड़ा दिन के लिए आए हैं, थोड़ा दिन के लिए रहने के लिए, तो थोड़ा दिन के बाद जाना है यहाँ से, तो यहाँ आए हैं परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, तो हमें प्राप्त करना है, ये एक लक्ष्य हरदम रहे तो बहुत लाभ होगा। इसके रहने से क्या होगा, स्वाभाविक ये होगा, जो एक बात बैठी हुई हम तो जी रहे हैं, ये बात बैठी हुई है, अब बात ये सच्ची नहीं है, सच्ची बात है कि मर रहे हैं, ये सच्ची बात है कि जितनी जितनी उम्र आ गई है उसमें मानते तो ये है कि हम इतने जी गए हैं, परंतु वास्तव में इतने हम मर गए हैं, जितनी उम्र आ चुकी है वो उम्र तो खत्म हो चुकी, वो तो समाप्त हो गई, अब आगामी कितना वर्ष है इसका तो पता नहीं है, पर इसका तो पक्का पता है कि जितने वर्ष आ गए उतने तो हमारी उम्र में कम हो गए, और उम्र में कम हो गए नहीं, हो रहे हैं, जैसे यहाँ आकर के बैठे उस समय आपके हमारी जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, चाहे थोड़ा ही मिनट हो, इतना मिनट तो मौत नजीक आ ही गई, तो इस बात को हरदम ख्याल रखें कि हम निरंतर यहाँ रहने वाले नहीं है। दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूर दृष्टि भगवान,
तो मौत के याद रखने से यहाँ डेरा लगा कर बैठे हैं, स्थायी विचार हो गया कहीं रहेंगे, इसमें सावधानी आ जाएगी। और सावधानी का तात्पर्य का उपयोग क्या है कि भगवान को याद रखना। तो दो बात को याद रख, जो चाहे कल्याण, कल्याण चाहता है तो दो बात को याद रखा समय। याद रखने का अर्थ है यहाँ पर सावधानी, सावचेत, इसमें भूल न हो। बिना याद भी याद होती हो, भूल न हो, ये बात सावधानी होने से बिना याद के याद रहता है। जैसे आपके अभी याद नहीं है कि यहाँ से अभी जाना है, बिना याद किए भी यहाँ थोड़ी सत्संग होने के बाद जाना है ही, स्वतः एक जमी हुई देखी हुई स्वतः सिद्ध बात है। इस तरह की जागृति हर समय रहनी चाहिए कि भाई यहाँ से जाना है, यहाँ अपने घर में रहना नहीं है। मत भूले मन मोह में भांडू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देव कर नींव। ऊंडी नींव लगा कर कैसे बैठा है, ऊंडी देकर नींव यहाँ फूटोड़ा गेला, कर आगा ने थोड़ा ठेकुन रेवन देला, लख तो राशि जून में रुल तो दृष्टि दीव। अब ये मौका अगर चूक गए तो फिर वो 84 लाख का चक्कर चढ़ जाएगा। मर गए के जन्मों के जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, ये गोल चक्र है, इसका अंत नहीं आता। लंबा रास्ता हो तो कितना ही बड़ा हो, चलते चलते अंत आ जाता है। पर गोल चक्कर में क्या अंत आवे। घानी कह रहे बैल को घर ही कोस 50, 50 कोस चले अरे वहां का वहां रहा, घर नहीं रहा वहां का वहां। इस तरह से बहुत जन्म गए, जन्म जन्म गए, कई काम किए, काम किए फिर मर गए, फिर कहीं जन्म गए, जन्म गए फिर वहां काम न किया, क्रिया करी फिर मर गए, फिर जन्म गए। तो ये अपना चक्कर चलता ही रहेगा, इसकी शांति नहीं होगी। अभी अगर सावधान हो जाए तो मौका अभी मनुष्य शरीर में अभी है, और मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका है। जैसे 84 लाख जोनी में एक मानव शरीर है कल्याण करने के लिए, ऐसे मनुष्य शरीर की उम्र में ये सत्संग का मौका है कल्याण करने के लिए। इसको चुका मैं नहीं, हरदम सावधान है। थोड़ी थोड़ी देर में याद करो भाई, क्यों आए है यहाँ, मनुष्य शरीर में क्यों आए, क्या कमाना खाना, कमाना खाना इसलिए आए, पारमार्थिक उन्नति करना है ना। इसकी महिमा बहुत बताई है मनुष्य शरीर की, तो वो सार्थक तभी होगी महिमा कि हम परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो हमने इतना दिन उम्र बिताई है जन्म से अभी तक, तो पारमार्थिक उन्नति कितनी कर ली है, बाकी है ये हिसाब रखना चाहिए ना। दिन में काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो इतना खेत तो बाहर यार, अब इतना और बहाना है, इतना और करना है, ऐसा रहता है। ऐसे जिस काम के लिए आए हैं वो काम कितना हो गया है, कितना बाकी है, ये हरदम सावधान रहनी चाहिए, हर समय सावचेत। इतने जागृत रही है बंदा, हे तो प्रीति हरि से हरिजन से करिए पर हरि दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। मनुष्य को जागृत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सावधान सावधान। ये ऊंट होता है ना, उस पर चढ़े हुए चलते हैं तो ऊंची जी जमीन आती है तो कहते सावधान सावधान, ऊंट सावधान हो जाता है। जो पशु है वो भी सावधान हो जाता है। तो ऐसे अपने मन में भी सावचेती रहनी चाहिए, घंटा आठ घंटा के बाद कि सावधान क्या कर रहे हैं हम, क्या करना चाहिए था,
और इतना समय किसने बिताया, ये भगवान को भूल गए। अगर उस समय मृत्यु हो जाती तो क्या दशा होती, बुरे बुरे संकल्प होते हैं, बुरे बुरे कार्य होते हैं, याद आ जाए अरे भाई क्या कर रहे हो, मरना है, यहाँ हरदम रहना नहीं है, यहाँ जाना है और यहाँ कमाने के लिए आए हैं, उपार्जन करने के लिए आए हैं, तो वो क्या कर रहे हो, तो भगवान के नाम का जप होता रहे, दूसरों की सेवा होती रहे, हित होता रहे, नाम जप होता रहे, कीर्तन होता रहे, ऐसी बात अपने को ख्याल में लानी चाहिए, नहीं तो समय निकल जाएगा हाथों से। जैसे यहाँ आने पर अपने सत्संग हुआ तो कितना समय चला गया, जितना समय ये चला गया है ऐसे अगर यह समय भी चला जाएगा। समय बड़ा तेजी से जाता है, समय ज्यादा नहीं लगा बारह, समय ज्यादा पता नहीं लगता है, सावधानी से काम करो तब तो पता लगता है। जैसे आप हाथ में घड़ी लेकर के और देख करके श्वास को रोको तो आपको मालूम होता है एक मिनट काफी होता है, एक मिनट बहुत लंबा चीरता है, और ऐसे हाथ पर जल्दी पता ही नहीं था, घंटा तो बीत जाती है, इधर उधर बात करते हैं, इधर उधर देखते हैं, ऐसे देखते देखते समय जा रहा है। और समय सबसे कीमती है, ये मानव जीवन का समय जिसमें तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ऊंचे से ऊंचा काम करने के लिए मानव शरीर है, देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षण, फिर भी देवताओं को दुर्लभ फिर भी क्षण भंगुर है, न जाए किस समय प्राण निकल जाए, कुछ पता नहीं है, न अवस्था का पता है, न स्वास्थ्य का पता है, न रोग वर्ग पता है। कई बार ऐसी बात हमने देखी है, बीमार आदमी तो बच गए और ठीक थे वो मर गए, इस घटना में याद है बीमारी की दिखा मैंने, तो जो बीमार दिखते हैं वो तो बैठे और ठीक दिखते काम करते हो चल गए, इस बात कुछ पता नहीं है, अवस्थाओं का पता नहीं, पेट में आता है बालक तब से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक मरने की सब जगह खुली है, ऐसी नहीं है कि इस महीने में वर्ष में किसी अवस्था में कितना मरता हो, तो एकदम अचानक यहाँ से जाना पड़ेगा, तो काम यहाँ करना है वो कर लो, उसी तरह से संसार का काम तो बाकी रह जाएगा, तो जो बाकी आदमी बचेंगे वो कर लेंगे, पर अपने उद्धार का काम कौन करेगा, वो तो अपने को ही करना पड़ेगा, अगर वो करना जरूरी है, नहीं करें तो बड़ी दुर्दशा होगी, संसार का काम नहीं होगा तो इतनी हानि नहीं होगी, जितनी ये उम्र चली गई मर गए तो हानि होगी, एक अंगुली टूट जाए तो वो पीछे वैसी वैसी नहीं मिलती, तो शरीर का शरीर चला जाएगा तब ऐसा शरीर मिल जाएगा, अंगुली को तो लगा भी सकते हैं इसमें वो भी बात नहीं है, नकली भी कर सकते हैं, नकली भी मिलने की संभावना नहीं, हाथ की बात नहीं है, अभी जो हमारा जन्म हुआ है वो कोई हमारी जानकारी में सावधानी से थोड़ा ही जन्म लिया है, वो भी अभी कबूलत नहीं हुआ है, तो अब भी क्या पता है कहाँ जाएंगे, कैसा होगा, क्या जन्म होगा, क्या वहाँ सामग्री मिलेगी, कैसे साथी मिलेंगे, कैसा संग होगा, कैसे साथ होंगे, क्या विचार होगा, किस जोड़ी में जाएंगे, तो वहाँ साथ रो विचार कहाँ मिलेगा, पशु पक्षी हो गए तो चून पूरी करना होगा, केवल पूर्व के पापों का थोड़े बहुत पुण्यों का फल भोग भोग करके खत्म करना होगा, और कुछ कमाई कर सकोगे नहीं, ऐसा समय चला जाएगा तो कितनी हानि हो जाएगी, सहानि तद्महत् सिद्धम् साचार्ण जड मूढ़ता यद मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवं न चिंतित। जिस समय भगवान का चिंतन नहीं हुआ वो समय अगर चला गया तो कितनी हानि हो गई, बड़ी भारी गलती हो गई, बड़ा भारी हमारा नुकसान हो गया, मामूली नुकसान नहीं है,
मरने पर लोग रोते हैं कि वो मर गया, अरे वो नहीं मर गया, अपने भी तो मर ही रहे हैं, निरंतर खत्म हो रहा है अपना जीवन। जो सबसे प्यारा लगता है जीना, वो जीना खर्च हो रहा है, और मरना बुरा लगता है, वो मौत नजदीक आ रही है। सावधान होना चाहिए, सावचेत होना चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी सावधान हो जाओ, जिससे कि अपना वास्तविक कल्याण हम कर रहे, अपना उद्धार कर रहे, नाम जप है छूटे नहीं, एकदम सावधान हो, थोड़ी थोड़ी दिन सावधान हो, आपस में मित्रता हो तो चिताता रहे, क्यों भाई भगवान याद है ना, भूल तो नहीं गए हैं, प्रभु की स्मृति है, ऐसे दूसरों कराओ राम राम नारायण नारायण, ऐसे करके चिता दे, ऐसे चिताते रहे, सावधान करते रहे, तो दिन भर में कितना काम हो जाए हमारा, नहीं तो समय चला जाता है। जिसमें आप सावधानी रखोगे वो दिन दूसरे दिनों से विलक्षण मालूम देगा आपको, ये अनुभव करने की बात है, अनुभव होगा इस बात का, प्रत्यक्ष कहीं न कहीं हमारा काम ठीक हुआ। तो ऐसी सावधानी में अपना समय लगाना है, सावचेती में समय लगाना है, निरंतर समय बर्बाद नहीं करना है, इस बात से हरदम सावधान रहे, तो ये जागृति रहनी चाहिए, ये आपका विचार करो तो हरदम याद आवेगी। पूरा याद कर लेने से याद आती है, फिर उद्देश्य बनाने से विशेष सावधान होना है, दिन में अपने को सावधान रहना है, ऐसा पक्का विचार करोगे तो याद आवेगी, और वो भी याद बार बार करोगे तो वो याद करना भी अगर याद होने में मददगार हो जाएगा, तो सावधानी रहेगी, समय बर्बाद नहीं होगा, तो काम धंधा करते हुए भी सर्वे सुकाले सुमान मानो स्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं सब समय में स्मरण करो, और युद्ध च भगवान का याद तो हर समय, और युद्ध च का अर्थ अर्जुन के सामने युद्ध था, हम लोगों के सामने अलग अलग अपने अपने घर का काम है, तो काम करो पर सब समय में भगवान को याद रखते हुए काम करो, नहीं तो समय चला जाएगा। बड़ी सावधानी के साथ में, बड़े उत्साह से, तत्परता से करो, और साधन में कोई भूल हो गलती हो तो आपस में पूछो, सत्संग में पूछो, प्रश्न करो, उसका समाधान करो, और तत्परता से जिंदगी से चलो, जो जिस काम के लिए आए है वो काम अपने पूरा करना है। नारायण 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 नारायण।